हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। डियर व्यूवर्स, आज हमारी जो रेमेडी है वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। व्यूवर्स, हमारी आज की रेमेडी प्रिपेयर होगी सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ों से। एक है एलोवेरा जेल और दूसरा वाइटामिन ई की कैप्सूल। डियर व्यूवर्स, ये मार्केट में इवियान के नाम से भी आते हैं। एक 250 mg वाला भी होता है, 600 mg वाला भी। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से वाला यूज़ करते हैं। व्यूवर्स, ये कैप्सूल आप देख सकते हैं, मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी। बेसिक तो ये आपको ग्रीन कलर की शायद नज़र आ रही हो, लेकिन जब इसे निकालते हैं तो ये इस तरह से येलो कलर के होते हैं। व्यूवर्स, इसमें हमें ज़्यादा कैप्सूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ और सिर्फ हमें एक कैप्सूल की ज़रूरत पड़ेगी और एलोवेरा जेल की। व्यूवर्स, ये रेमेडी खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन रेड हो जाती है या फिर जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन और छाइयाँ होती हैं। और फिर अक्सर वो लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हम धूप में निकलें तो हमें अपनी गाल पे जलन होती है। तो व्यूवर्स, ये रेमेडी खासतौर पर उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और व्यूवर्स, जिन्हें पिगमेंटेशन का कंप्लेन है, तो व्यूवर्स ये वो लोग भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कैप्सूल को पॉप अप करके और इसमें प्लेट में डाल दिया है। सो व्यूवर्स, जिन्हें तो कम पिगमेंटेशन है वो तो एक कैप्सूल यूज़ करेंगे, लेकिन जिन्हें ज़्यादा पिगमेंटेशन है वो ये दो कैप्सूल्स यूज़ करेंगे। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने दो कैप्सूल्स इस तरह से निकाल लिए हैं। ये बिल्कुल लिक्विड है जेल और ये ऑयली होते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा लेंगे, बिल्कुल ये अगर आप बड़ा चम्मच, इस तरह के चम्मच हर किसी के घर पे होते हैं, अगर ये बड़ा स्पून आप यूज़ करें तो आप सिर्फ ये एक स्पून लेंगे, लेकिन मतलब ये हाफ लेंगे, लेकिन अगर आप छोटा स्पून यूज़ करें, टीस्पून जिसे कहते हैं, तो आप एक पूरा भर के लेंगे। तो सो व्यूवर्स, आपने इसमें ये मिक्स कर देना है। अब आप इसे इस तरह से जब मिक्स करेंगे तो व्यूवर्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सूदिंग लोशन बन जाएगा। व्यूवर्स, आप इसे डेली रात को सोने के इससे पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग इसे सोने से पहले नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं जब आप धूप में निकले एज अ सन ब्लॉक। तो व्यूवर्स, ये इस तरह से ये जेल फॉर्म में ये बन जाएगा और आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और व्यूवर्स, ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आप इजीली धूप में भी जा सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगे, व्यूवर्स आपने इसे एब्जॉर्ब कर लेना इस तरह से। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे और आपके लिए ये यूज़फुल हो, तो आप इसे मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए डेली बेसिस पे नई नई रेमेडीज़ लेकर आऊँ। शुक्रिया।